हमीरपुर में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर भी अलर्ट हो गया है। दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए मामलों के बाद विभाग ने इस बारे में एडवाइजरी जारी कर दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव के साथ जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत बात हुई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया है और विभाग ने अस्पतालों में पर्सनल प्रोटेक्शन किट उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच के उपकरण भी उपलब्ध हैं। वहीं अभी विभाग के पास किसी भी व्यक्ति के बाहर से लौटने की सूचना नहीं आई है। पूर्व में लौटे 11 लोगों को विभाग ने 28 दिन निगरानी में रखा था। वहीं सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि कोरोना वायरस भारत में अपना दस्तक दे चुका है। उन्होंने बताया कि 6 केस कोरोना वायरस के दिल्ली में पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बात हुई है। अस्पतालों में पर्सनल प्रोटेक्शन किट उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए एडवाइजर जारी की जा रही है। अभी तक विभाग के संज्ञान में कोई भी मामला ऐसा नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। हमीरपुर जिला का राष्ट्रीय स्तर होली मेला 7 से 10 मार्च तक चलेगा, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से जुट चुका है। चौगान में पंडाल सजने लगे हैं। इस मेले में पंजाब हरियाणा व दिल्ली तक के व्यापारी अपने सामान का व्यापार करने पहुंचते हैं। वहीं प्रशासन द्वारा मेले की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मेले में सफाई व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन द्वारा अहम कदम उठाए गए हैं। बता दें कि सुजानपुर का होली मेला राजा अवेचंद कटोच ने शुरू किया था। राजाओं के समय होली मेला बसंत पंचमी से शुरू होकर पूर्णमासी के दिन होली का दहन किया जाता था और उसमें राजा अपने रणबांकुरों सहित भी होली उत्सव सुजानपुर के चौगान में मनाते थे। लेकिन जब महाराजा संसार चंद ने सुजानपुर का राजपाट संभाला तो उन्होंने होली की परंपरा को 4 चांद लगा दिए। राजा संसार चंद अपनी प्रजा और सभी जातियों के लोगों के साथ सुजानपुर में मौजूद मुरली मनोहर मंदिर में होली का दहन करते थे। वहीं कटोच वंश के राजपुरोहित राजेंद्र सिंह की माने तो प्रशासन द्वारा उस समय के इतिहास को नहीं संजोया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो ये होली उत्सव 400 वर्ष से मनाया जा रहा है, लेकिन बदलते जमाने के कारण इस मेले में पौराणिक चीजें देखने को कम मिलती हैं। NSUI हमीरपुर ने तिरंगा लगाने के लिए चंदा एकत्रित करने का कार्य और तेजी से शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि फरवरी माह से NSUI हमीरपुर में स्थापित तिरंगा लगाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी और इसी प्रक्रिया में आज भी NSUI ने हमीरपुर बाजार में चंदा एकत्रित किया। आप सभी को ज्ञात होगा कि गत 7 माह से हमीरपुर में प्रशासन द्वारा तिरंगा नहीं लगाया गया है, जिसका स्थानीय युवाओं और NSUI ने कड़ा विरोध किया है और इसी मुहिम के अंतर्गत आज NSUI हमीरपुर ने बाजार के दूसरे कोने में चंदा एकत्रित किया। NSUI जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने मिशन तिरंगा की शर्ट पहनकर बाजार में चंदा एकत्रित किया। ठाकुर ने बताया कि NSUI पहले हमीरपुर कॉलेज और हमीरपुर बाजार के एक कोने में चंदा एकत्रित कर चुकी है और हिमाचल NSUI परिवार की तरफ से मिशन तिरंगा के लिए 11,000 प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक अन्य से हमीरपुर के पास 25,000 के करीब चंदा एकत्रित हो चुका है। उन्होंने कहा कि NSUI का 50,000 के करीब जो लक्ष्य रखा गया था वह भी जल्द पूरा हो जाएगा और साथ ही कहा कि लोगों का भी मिशन तिरंगा में भरपूर सहयोग रहा। इस मौके पर निखिल अनुराग सौरभ, अभिषेक साहिल, अरविंद, अभिषेक ठाकुर, पंकज, अभिषेक कतना, सिकंदर, साहिल शर्मा, विक्रांत इत्यादि मौजूद रहे।